वेलकम टू द फूड लॉजिक। और आज के वीडियो में हम ढूंढ निकालेंगे बेस्ट चॉकलेट सिरप। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने बताया कि आज के वीडियो में हम ढूंढ निकालेंगे बेस्ट चॉकलेट सिरप आउट ऑफ दीज फोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स इन इंडिया विच आर डेल मोंटे, हर्शीज, दिबा एंड मालास, जो कि अमेज़न में बहुत मिलता है। चॉकलेट सिरप बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ब्राउनीज में, चॉको सिरप आप केक्स में इस्तेमाल कर सकते हो, मिल्क शेक्स में इस्तेमाल कर सकते हो, कॉफीज, बहुत कुछ आपको एप्लीकेशन ऑब्वियसली पता ही होगा। काफी में भी करते हैं, मोस्टली मार्केट में दिखता है हर्शीज, बट बाकी हमने बहुत कम ट्राई किया या नहीं ट्राई किया, गेस। एंड ये इतना ज्यादा दिखता है कि इसका छोटा सैचेट 10 रुपए वाला भी आता है, बहुत अच्छा पैकेजिंग रहता है, बहुत इजी हो गया। एंड ऑन दी अदर हैंड मालास का अगर बात करें तो ये मैंने जनरली बेवरेज वाले आउटलेट्स में बहुत देखा है, जो इसका क्रशेस कॉकटेल मॉकटेल्स वगैरह के लिए बनता है, तो वहां पे ये है डेल मोंटे सॉसेस में डील करता है, तो आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और चॉकलेटी रिव्यूज के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और तो और हमारे वेबसाइट foodlogic.in को चेकआउट करना ना भूलें, वहां पे हमने जितने भी रिव्यूज किए हैं मोटा मोटी वहाँ पे पूरा जिस्ट है, आप वहाँ से जाके इजीली बाय कर सकते हैं अमेज़न के थ्रू। इंटरेस्टिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स। तो अब ये है भाई, अभी मोमेंट ऑफ ट्रूथ होने वाला है। हाँ भाई, भाई ये देख कितना बढ़िया लग रहा है मालास का। भाई अपना डेल मोंटे भी कुछ कम नहीं है। एंड दिस इज ओए, ये तो और सॉलिड लग रहा है भाई। हाँ भाई, एक से एक ब्रांड्स मिल रहे हैं और एक से एक टेक्सचर्स मिल रहा है। हर्शीज कहाँ स्टैंड करेगा। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा ही थिक है, पोरिंग वाइज सारा ही सैटिस्फाई करता है, टेक्सचर वाइज ऐसा ये बहुत लिक्विडी है, फटफटा के कुछ निकल जा रहा है। अब मेरे को विवा काफी ज्यादा इंप्रेस किया आउट ऑफ द लॉट। सबसे महंगा है हर्शीज, सबसे सस्ता है विवा, ओ सॉरी सबसे सस्ता है मालास, और डेल मोंटे और विवा एक ही प्राइस का ऑलमोस्ट। डेल मोंटे, हां डेल मोंटे लो। भाई इसका nice. डार्क चॉकलेट वाला थोड़ा इफेक्ट है, आई मीन थोड़ा चॉकलेटी इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि मीठा किया गया चीनी डाल के बहुत। हाँ मतलब वो फील नहीं आ रहा है, ऑल्दो डाला तो हो गई। हाँ डाला तो 100% होगा, बट चॉकलेट का ज्यादा आ रहा है। हर्शीज में चलते हैं। अच्छा था ये, अच्छा ओपनिंग था। चमार टाइप का बनाता है प्रोडक्ट। देखो इसमें पता चला ना मीठा चॉकलेट टेस्ट कर रहे हो, बट उसके साथ एक मिठास आएगा आपको बहुत जोर, और वही मेरे को इसका पसंद नहीं आता है। बट पहले से थोड़ा बेटर किया है चीज। पहले मतलब कितना पहले? 2-3 साल पहले, फेयरली मेरे को याद नहीं है, बट उससे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता था ये, ऑलमोस्ट थोड़ा कड़वा जैसा लगता था। कड़वा अभी कैसा लग रहा है? मीठा, एक्स्ट्रा मीठा, जो होता है ना कि कोको को ओवर पावर कर दे मीठा, वैसा मीठा। वही वही कोकोआ पाउडर शुगर और इन्वर्ट शुगर भी कुछ लिखा था। इन्वर्ट शुगर, शुगर वाटर, लिक्विड ग्लूकोज, 4-5 तरह का चीनी डाला है, भयानक भयानक चीज है इसमें। विभा का टेक्सचर अच्छा है यार, हर्षी से बेटर है, कोट होता है चम्मच में जितना आता है उससे समझ में आता है। चीनी होना लाजमी है बट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट है। हर्षी से थोड़ा बेटर लगा, ऑलमोस्ट लाइक डेल मोंटे बट थोड़ा सा आर्टिफिशियल मेरे हिसाब से, कोकोआ टाइप का, बट डायरेक्ट हर्षीज। एंड टेक्सचर वाइज डेल मोंटे और वेबा बहुत सिमिलर है। डेलमोंटे में ना मेरे को एक बैलेंस मिल रहा है, लेकिन बैलेंस मिल रहा है, एंड प्लस वो चॉकलेट से डेविएट नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ज्यादा स्वीट है और ये इससे कम स्वीट है, बट चॉकलेट का क्वालिटी इसका थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप बोल रहा है। और मेरे को माला से भी वही डर लग रहा है, 0.01 पैसे का, बट टेक्सचर इसका 0.01 रुपीस बहुत अच्छा है, लाइक इवन डेल मोंटे से थोड़ा सा बेटर है टेक्सचर वाइज, ठीक है भाई। और ये सबसे डार्क है, जो आर्टिफिशियल का बात कर रहे थे आप, शायद यही है जिस बात का डर था वही, मतलब नॉट अ वेरी वर्स ब्रांड, दिस चॉकलेट इज नॉट अ गुड, बट मे बी मास्क हो सकता है इसका जो फ्लॉज है इन मिल्क शेक्स और समथिंग, बट नॉट ऑन टॉपिंग ऑफ ब्राउनीज या केक वगैरह। यू वुड नॉट लाइक इट ऑन योर ब्राउनी,
आई वुड थिंक भाई ये बहुत सिंपल सा रिव्यू है, लाइक ज्यादा इसमें दिमाग बढ़ाने का है नहीं। क्योंकि जब, और वही है ना द फूड लॉजिक में जैसा रिव्यूज आपको मिलता है लाइक मल्टीपल ब्रांड्स ऑन सिंगल फ्रेम, और हम लोग को एकदम तुरंत तुरंत देखने को मिलता है, टेस्ट करने को मिलता है, फटाक से पता भी चलता है कि क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या फ्लॉ है, कहाँ पे वो फ्लॉ को कौन सा ब्रांड बेटर किया हुआ है। And हम लोग भी शॉक हो जाते हैं exactly. क्योंकि भाई हर्षीज था यहाँ पे हाँ. और उसके सामने मेरे को लग रहा था कोई नहीं जीत पाएगा क्योंकि हर्षीज exactly. उतना पसंद नहीं है मेरे को पर्सनली, बट वो टॉप है मार्केट का एंड दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द चैनल जो बनाया है, एंड वो काफी लोगों को हेल्प कर रहा है एंड आई एम श्योर फ्यूचर में हेल्प करेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब। जहां तक आता है इसका चॉकलेट सिरप डेल मोंटे, क्योंकि इसका मतलब चॉकलेट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है स्वीटनेस या फिर यू नो जो था कि अच्छा बिजनेस में मार्जिन निकालने के लिए थोड़ा सा लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना, दैट आई एम नॉट फीलिंग इन डेल मोंटे। ऑल्दो हर्शीज भी अच्छा क्वालिटी का है बट नॉट एट पार, ये बहुत अच्छा चॉकलेट का दे रहा है, यहाँ लिखा भी है 40% मोर चॉकलेटी। एग्जैक्टली, तो भाई डेल मोंटे डिजर्व्स टू बी TFL अप्रूव्ड ऑन दिस वीडियो, हमारे रिकमेंडेशन में आप ट्राई कर सकते हैं। एंड आपको बता दें कि जो भी हम लोग यहाँ पे रिव्यू करते हैं वो स्ट्रिक्टली अपना ओपिनियन और अपने पैलेट के अकॉर्डिंग रहता है, मतलब सबको सब्जेक्टिव चीज़ exactly. है, आपको शायद अलग लगे हमें अलग लगे बट हम अपना निकाल के देते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके करेक्ट, तो वो एज रहता है, तो आप यहाँ से देख के अपना ओपिनियन फॉर्म करने को हेल्प कर सकते हैं। सो ये ऑब्जेक्टिव रहता है हमारा। तो ये था हमारा रिव्यू ऑन चॉकलेट सिरप जिसमें निकल के आया बेस्ट डेल मोंटे, बेस्ट बैंगलिंग सबको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेकआउट करके बाय कर सकते हैं वहां से, एंड इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चॉकलेट लवर्स और जो भी घर पे बहुत पेस्ट्री बनाते हैं बेकिंग करते हैं उनको, और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आगे आप कौन सा रिव्यूज देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, और इस वीडियो के बारे में आपको क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, डू गिव अस फीडबैक। तो मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग रिव्यू में, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें एंड हमेशा खुश रहें। जय हिंद।